विधानसभा क्षेत्र के चिरमिरी डोमन हिल अमरकुंज मैदान में कांग्रेस दल के नेता एवं सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर विनय जायसवाल के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आने के 10 दिनों के भीतर किसानों का न सिर्फ कर्ज माफ होगा बल्कि उन्हें 2 साल का बोनस भी दिया जाएगा। यही नहीं, सभी लोगों को 1 रुपये किलो चावल दिया जाएगा। कांग्रेस के स्टार प्रचारक व लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने डोमन हिल में कांग्रेस की चुनावी सभा को संबोधन के दौरान बातें कही। खड़गे ने यूपीए के कार्यकाल की जन कल्याणकारी कार्यों को गिनाते हुए कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने फूड सिक्योरिटी बिल पास किया था जिसके तहत पूरे देश के सभी बीपीएल कार्डधारियों को प्रति परिवार 3 रुपए किलो चावल 35 किलो देने का प्रावधान किया गया। कांग्रेस की सरकार ने नरेगा योजना चालू करके देश के सभी बेरोजगारों को साल में 100 दिन अनिवार्य रूप से रोजगार देने का प्रावधान किया। वहीं भाजपा के 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में पिछड़ा है। यहाँ साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है। देश की आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। इसे मोदी जी ने खुद स्वीकार किया है। यहाँ की सरकार घर घर जाकर शराब बेच सकती है लेकिन स्कूल नहीं चला सकती। देखिए, लोग मन किए हैं भाजपा सरकार को और खुद ही वो लोग घोटालों में फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक कालर में जाना, राफेल डील से लेकर वीडियो ऊपर कर सारे छोटे मोटे व्यवहार में भी वो फंसे हुए हैं। तो इसीलिए लोग खुद ही सोच रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को लाना और बदलाव करना ये जरूरी है, ये लोगों का भी कहना है और हमको भी वही इंसान मिल रहे हैं। हर जगह लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं।